ए छोरी, इब तने रज्जो के ब्याह की तैयारी एक दिन में ही करनी होगी। तू इस ब्याह को निमटा डाल किसी भी तरह से, समझी? और सुन, कल होली है और होली का त्योहार हमारे यहाँ खूब धूमधाम से मनाया जाए। जो भी कुछ यहाँ हुआ है उसकी वजह से त्योहार में कोई कमी ना होनी पाए, समझ गई? जी चौधरी जी। पक्का कुंज, कोई और रास्ता नहीं है? नहीं ट्विंकल, और कोई रास्ता नहीं। मुझे राजा को यहाँ लाना ही होगा ताकि चौधरी जी के सामने सारी सच्चाई आ सके। रज्जू ने मुझे उसका एड्रेस दिया तो थोड़ी देर में निकलूंगा। लेकिन कुंज, अगर ट्विंकल फिक्र मत कर, मैं रज्जू राजा को भी कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और चौधरी जी के सामने पूरी सच्चाई आना बहुत जरूरी है कि रज्जू का बॉयफ्रेंड उसके बच्चे का बाप मैं नहीं बल्कि राजा है। जानता हूँ तुझे मेरी फिक्र, पर फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कुंज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मुसीबत को तुम तक आने से पहले मुझसे गुजरना होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे चलना चाहिए, पैरी की सब कुछ है। रुको कुंज, कुंज आज हमारी साथ में पहली होली है। हैप्पी होली। आजाब सजना, आजाब सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। Happy Holi, Mrs. Twinkleton. कुंज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? I hope उसे राजा मिल गया और वो जल्दी से उसे यहाँ पे लेके आ जाए। इन लोगों को पता चल गया ना वो यहाँ नहीं है, पता नहीं क्या हाल करेंगे। ताऊ, ताऊ, क्या हो गया? ताऊ, ताऊ जीजा जी, हम हमारा मतलब पुछड़ा कुंज घर से भाग गया। क्या क्या बोल रहा? हाँ ताऊ, पूरा घर छाड़ मारा ताऊ, कहीं ना मिला वो, कुंज भाग गया ताऊ। भाई कितना तेरा? यही कहीं होगा, वो क्यों भागेगा? वो तो खुद रज्जू से शादी करना चाहता है ना, और उसे अच्छे से मालूम है अगर उसने गलती से भी भागने की कोशिश करी तो आप लोग उसे मार दोगे। यहाँ कहीं बाहर तक गया होगा ना, अब क्या बाहर तक जाने के लिए भी आप लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तू एक काम कर रहे, अपने आदमियों को लेके जाओ, ढूंढ के ला उसको। हाँ तो
कुंज कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। और सुन छोरी, तेरे भाई ने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो समझ ले छोड़ूंगा ना उसने, और ना पकड़ा गया तो तन्ने ना छोड़ूंगा। वो बात ध्यान में रख लियो। जी ने अपने की सजा ना दे सकती हूँ। उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया और अब कुंजी की जान खतरे में है, क्या करूंगी मैं? अब मैं राजा ने वापस ढूंढ के लाऊंगी, उसे यहाँ लाऊंगी और बापू ने सब कुछ सच सच बता दूंगी। कुंजी को मारे की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ताऊ, ताऊ पूरा गांव छान मारा लेकिन उस कुंजी जगह कोई पता नहीं चला। से कूद के भाग गई। मरने तो लागे है, शर्म के मारे कहीं मरने न गई हो। मुन्नू, ये क्या हो रहा है? रज्जू क्यों भाग गई? श्री की कैसे? क्या सीन है? ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, स्टारिंग ट्विंकल, कुंज और मेरी प्यारी बहना रज। लेकिन इस ड्रामे का दी एंड तो यूवी ही करेगा। तुम लोग को जितनी होली खेली है ना आज, तुम खेल लो, क्योंकि ये होली तुम्हारी जिंदगी की आखिरी होली होने वाली है। बेचारी ट्विंकल, लगता है तुझे जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। अब इसे चाहे मेरा गुड लक कहो या तेरा बैड लक, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मैंने तेरी और कुंज की सारी बातें सुन ली और उसके बाद बनाया अपना मास्टर प्लान।
क्या हुआ? शॉक लगा मुझे यहाँ देख के बेबी को। हाँ चल एक और शॉकिंग न्यूज सुनाता हूँ तुझे, मुझे सब कुछ पता है। तेरे और कुंज का प्लान, रज्जो की प्रेगनेंसी, राजा का सच और तुम दोनों का झूठ, सब कुछ। चल एक और शॉकिंग न्यूज सुनाता हूँ तुझे, ये थोड़ी सी बड़ी है, हाँ थोड़ी सी, घबराना मत। जब कुंज राजा को लेने जा रहा था तो अपने आदमियों से कहकर मैंने उसे किडनैप करवा दिया, और इन लोगों को यहाँ पे सबको लगा कि कुंज भाग गया। क्या गुड प्लान ना, इंटेलिजेंट थिंकिंग। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे कुंज के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बेचारा किस हालत में होगा, कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा, क्या कर रहा होगा। हैप्पी होली बेबी। ओ मामा जी आपका यू भी आ गया। ओए मामा जी, बहन, मतलब यूवी चौधरी जी का रिश्तेदार है। ओ मामा जी आ गया आपका यूवी। पेरीपोना पेरीपोना पेरीपोना। क्या हुआ मामा जी, आप सब घर वाले इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं तो ये सोच के आया था कि रज्जो की शादी में नाचूंगा गाऊंगा होली खेलेंगे हम लोग धूम मचाएंगे, पर यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल है। क्या बात कर रहे हैं मामा जी, मतलब वो लड़का भाग गया? एक मिनट कहीं वो लड़का 6 फुट का गोरा चिट्टा काले बाल कुछ ऐसा हुलिया तो नहीं था उसका? हाँ कैसे मालूम? जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना तो बिल्कुल वैसा एक लड़का मुझे बस स्टॉप पे दिखा था, लग रहा था कि भाग के आया कहीं से, बड़ा परेशान लग रहा था। बगल में खड़े लोगों से पूछ भी रहा था कि दिल्ली जाने वाली बस कब निकलेगी। बस छोरों को लेके निकल, पकड़ के लाश सुस्त रहे दिल्ली वाली बस। चलो चल कर निकल। और तो सुन, तू रज्जो को ले गया, आज मेरे हाथ से किसी ना किसी की बलि जरूर चढ़ेगी। इसकी तो मैं हट। सही समझी तू, जब तक संग्राम और उसके आदमी बस स्टॉप तक पहुंचेंगे तब तक मेरे आदमी कुंज को वहां छोड़ चुके होंगे। संग्राम कुंज को बस स्टॉप पर पकड़ेगा तो उसे भी यही लगेगा कि कुंज गांव छोड़कर भाग रहा था, और उसके बाद मेरे प्यारे चौधरी मामा तेरे कुंज के साथ खून की होली खेलेंगे। लेके चलो इसे अंदर। चल जीजे अंदर, बहुत खातिर होनी आज। यूवी और यहां मारी छोरी ने छोड़ के भाग रहा था तू है? चौधरी साहब आपको गलत फहमी है। चुप, एकदम चुप। झूठ से मन में कितनी नफरत है तू जानता है, और तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है मुझसे। छोड़ूंगा ना तुझे मैं। चौधरी साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको गलत फहमी हुई है, मैं नहीं भाग रहा था। मैं गलत समझ रहा हूँ? अरे तेरे चक्कर में मारी छोरी घर छोड़ के भाग गई, तेरे धोखा देने के चक्कर में मरने गई है वो घर से बाहर, और तू कह रहा है कि मन्ने गलत फहमी है। तने तो
No! पागल लड़की, इस लूजर कुंज की खातिर अपनी जान देने चली, तुझे कुछ हो जाता तो? अच्छा ना किया छोरी, अच्छा ना किया तन्ने इसको बचा के। अब इसके साथ मैं तन्ने भी काट डालूंगा। ये क्या बोल रहे मामा? ट्विंकल की लाइफ डेंजर में नहीं पड़नी चाहिए। आई वोंट लेट इट हैपन, वोंट। मारना चाहते ना आप? मार दीजिए, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं कुंज को खरोच तक नहीं आने दूंगी। कुंज तक पहुंचने के लिए आपको मेरी लाश से गुजरना होगा, क्योंकि पति है ये मेरे। पति? हाँ पति, भाई बहन नहीं है हम। झूठ बोला था हमने आपसे। जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ये वही छोला है जिससे मैं प्यार करती हूँ बाबू। बापू ये दोनों भाई बहन है। हाँ ऐसा है मेरा कि रज्जो की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और आप इसे ही मानना चाहते हैं। इतना बड़ा सच तुम लोगों ने मुझसे छुपा के रखा, कभी बहन तो कभी भाई, कभी खसम तो कभी लुगाई। मारे घर में रह के हमें ही बेवकूफ बना रहे थे तुम लोग। छोटूंगा ना तुम दोनों को मैं, उस रज्जो और राजा का तो बाजा मैं बजा के छोड़ूंगा, लेकिन तुम दोनों को तो मैं अभी काट दूंगा। मामा जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप इन दोनों को क्यों मारना चाहते हैं? इसमें बेचारी ट्विंकल की क्या गलती है? मामा जी ट्विंकल ने आपसे सच बोला है। अगर वो आपको सच नहीं बताती तो आप अभी तक धोखे में रहते। आपको मारना है ना, इस इंसान को मारिए, मार डालिए इसे। क्यों छोड़ दूं इसने? क्यों भी तो हाँ में हाँ मिला दी छोरे के, बराबर की अधिकार है वो मरने का। छोड़ दूंगा ना इसे संग्राम, लेकिन डाल इन्हें काट कोठरी में। और सुन, उन दोनों को भी ले गया, एक एक करके फांसी पर चढ़ाऊंगा सबको। छोड़ दूंगा ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी करके मुझे ट्विंकल की जान बचानी ही होगी। और सड़ो यहीं पे। सॉरी बोल रही है? किस बात के लिए? तूने जो बाहर किया उस बात के लिए, या फिर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली उसके लिए? जवाब दे। I'm not finished yet. बात कर रहा हूं ना मैं। अपनी बात करती रहती, दूसरों की बात तो सुनेगी नहीं कभी।
तुझे लगता है जो तू कर रही है वो सही है, हमेशा अपनी मनमर्जी करेगी। क्यों? क्योंकि ट्विंकल द ग्रेट जो करेगी वो सही करेगी, उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। करेक्ट? कभी आगे पीछे का नतीजा सोच सकती है? वही जो बाहर तूने स्टंट किया वो क्या था? देखो पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे? जान जा सकती थी तेरी। क्या जरूरत थी मेरे आगे आने की? अगर उसकी तलवार तेरे पे लग जाती तो। लेकिन कुछ मैं बात कर रहा हूं ना तुझसे, तो बात सुन। बचपने की हद होती है ट्विंकल, जो मन में आएगा वो करेगी। अपना नहीं तो कभी मेरे बारे में तो सोच ले। अगर तुझे कुछ हो जाता मेरा क्या होता, कभी सोचा?